वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गा रिएक्शन में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो आने वाली बदबू पांडव किस तरीके से धोकर रख दिया, तो देखते हैं क्या दिखाते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। चलो हट हट, शर्म आनी चाहिए मुस्लिम कंट्रीज में। एक मिनट, आपको कौन बोला बोलने के लिए बीच में? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? हिंदू आतंकवाद बोल रहा है, हिंदू आतंकवाद। तुम आराम से बात करो, तुम आराम से बात करो, प्लीज। यात्री गण कृपया ध्यान। तो भाई साहब, आज की वीडियो में जो है ना, खुशबू पांडे के पिछवाड़े में जो है ना लग गया। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब, एक भाई साहब बोल दिए ना कि हम गाय खाते हैं और खाएंगे, तो पिछवाड़ा में लग गया। आप लोग सोचते होंगे कि उसके पिछवाड़ा में काहे लग गया होगा। बात तो सही है। बदबू पांडे चाहती है कि सिर्फ हम अकेला खाए, कोई नहीं खाए, काहे कि सब खाएगा तो दाम बढ़ जाएगा उसका। अच्छा, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा भाई साहब। कैसे पिछवाड़ा में लगता है बदबू पांडे के मिर्ची, और अगुआरा में साबुनदानी में कहा लगता है, बारी बारी भाई साहब हम आपको दिखाएंगे। बस लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा भाई साहब। ठीक है, मिलते नहीं। ठीक है, आजादी नहीं है। सबसे बेसी गाय कौन काटता है? तब गाय खाना चाहते हैं जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग। हट हट, क्या बोला? हट हट। बदबू पांडे है तो तुम्हारे पास, पर तुम बोल रही हो उसको। शर्म आनी चाहिए, जानते हैं आप। एक मिनट, आपको कौन बोला बोलने के लिए बीच में? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? आपको कौन बोला बीच में बोलने के लिए? हिंदू आतंकवाद बोल रहा है, हिंदू आतंकवाद। भाई साहब, बदबू पांडे खिजला गई। अरे भाई साहब, एक के बूटी है का जो झगड़ा कर रही है कि हम खाएंगे, तू क्यों खाएगा? बदबू पांडे को ही खिला दीजिए, आप दूसरे दिन खा लीजिएगा। ठीक है, बदबू पांडे को जो है ना अच्छा से खिला दीजिए। अच्छा, प्लीज। अरे भाई साहब, अगर इसको बूटी नहीं मिला है, इतना खिजला गई है, तो टेंशन काहे ले रहे हैं? इसको जो है ना मुसलमानी लड्डू खिला दे। आप लोग मुसलमानी लड्डू जानते हैं? हमको नहीं पता। अरे वही गोल वाला जो होता है, कुफ्ता। आप वही खिला दीजिए, बेचारी चुप हो जाएगी खुद। भाई साहब, बदबू पांडे अगर एक बार भी कुफ्ता खा ली और उसका मजा का टेस्ट ले ली, फिर वो यही बोलेगी। ओहो, क्या बात। सुनो एक बात, कान खोल के। The country is secular, that's in the constitution, you can accept the existence. भैया सुनिए, हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में तो यहाँ बोलेंगे नहीं। साहब, इनको आएगा तब नहीं बोलेगी, सीधा सीधा बोल दो ना कि इंग्लिश नहीं आता है, तो झुट्टो के यहाँ पे आके कहला इतना ज्ञान दे रहे। सुनिए, हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, तो पढ़े लिखे की उम्र में कहाँ गए थे, राहर में गए थे कि सरसों के खेत में गए थे? अच्छा बदबू पांडे, सुनने में आया है कि तुम्हारे साथ कुछ लड़का घोपा घोपी किया, तो इस पर तुम कुछ कहना चाहती हो कि नहीं कहना चाहती? लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती हैं। अच्छा बदबू पांडे, सुनने में आया है कि तुम अब्दुल को छोड़ के रमेश से प्यार करने लगी हो, कहे तुम मानती हो? हम नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते। हाँ, वही तो हम सोचे कि अब्दुल को तुम छोड़ कैसे सकती हो, तुम्हारा बच्चा भी जो होगा वो अब्दुल का ना होगा। सेकुलर का मतलब क्या था? धर्मनिरपेक्ष। हमको सेकुलर तब माना जाएगा जब हमें हिंदू होने पे शर्मिंदगी हो। कोई सेंसेंस बात की। अच्छा बदबू पांडे, सुनने में आया है कि तुम अब्दुल को छोड़ के रमेश को जो है ना अपना बीएफ मान ली हो। पर मान नहीं रहे, हमें मनवाया जा रहा है। अच्छा, तुम मान नहीं रहे हो, मतलब सब जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ ना? ये गलत बात है भाई साहब, ये गलत है। बदबू पांडे का जो है ना सिर्फ जो है ना अब्दुल ही ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता। 2010 में, सर एक मिनट, आपका रिस्पेक्ट है। 2010 में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बयान दिया था देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का, वो था सेकुलरिज्म। ए बदबू पांडे, ये बात जो है ना तुम्हारा बाप भी बोला था, जरा सुन लो। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर,
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। ये वाला वीडियो जो है ना भाई साहब, इलेक्शन से पहले बोले थे वोट जो लेना था मुसलमानों का, इसलिए जो है ना बोले थे। पर ये बात जो है ना बदबू का पांडे के कान में नहीं सुनाई देगा, कहे कि उसके कान से लेके नाक से लेके आँख से मुँह में सब में लड़ ठूसा हुआ। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई साहब, थोड़ा सा जो है ना भाई साहब लौगी हाथन भक्त भी ले लिया जाए, ठीक है भाई। अब ये देख लिया श्री राम के नाम पे गुंडाई चल रही है, नहीं चल रही है, ये गुंडाई है। भगवान का नाम लेने के लिए मंदिर बना है, ये नहीं बना कि लैटरिन में भगवान का नाम लो। ये पार्क में खड़े हो, घूमने आए हो, यहाँ श्री राम के नारा लगा के गुंडाई नहीं कर। अरे रुको यार, जय श्री राम के नारे बुरे लग रहे हैं। बाप का लंबा वाला केला लिए होगा कान में, जो सुनाई नहीं दे रहा है, जो बोल रहे हो नारा कहाँ लग रहा है। अरे रुको यार, जय श्री राम के नारे बुरे लग रहे हैं। 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी हैं, राम नाम का मिला है घंटा, हम तो वही बजाते हैं। अबे वो बेपेंदी के लोटे उतनी के वहाँ पहुँच के तू वहाँ पे दुबई वालों के चाटने लगा, यहाँ तो बड़ी मुल्लाओं के खिलाफ बोलता था तू, हिंदू राष्ट्र की वहाँ कौन सा राष्ट्र बना रहा है वहाँ बनाना हिंदू राष्ट्र, बोल जरा वहाँ हिंदू राष्ट्र बना दुबई में जाके, औकात तेरी साइड कर देंगे वो, बोल वहाँ के हिंदू राष्ट्र बनाने आया हूँ यहाँ, हिम्मत है तेरी है, फट जाएगी तेरी पूरी 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 फट जाएगी दिमाग की नस। अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, सऊदी अरब भी जाएगा ये, वहाँ पर भी मजे लेगा, वहाँ पर भी देखेगा कोई चीजा मिलेगा इसे तो। अरे वो दुबई वालों मुल्ला उसको वहीं डाल लो, डाल लो उसको, उतनी के को उसको वहीं रखो, जेल में डाल, नहीं जेल में नहीं वहीं डाल लो, इसे वहीं करवाओ प्रवचन कथा जो करा रहे हो वहाँ का कर कथा प्रवचन। हाँ शेख ने भी टेक दिया इसके, समझे ढंग से दिमाग पे, कहला आज फालतू बोला ना तो ये हिंगार देंगे, जब तो वहाँ तारीफ कर रहा है तो इन्हें कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ से मतलब नहीं है, इन्हें तो ये अंधभक्तों को धर्म के नाम पे एक दुकान चला रखी है। सही है कह रहे हैं भाई साहब, चचा जो है ना कोई गलत नहीं कहे। आज यार एक और चचा का आवाज़ सुन लीजिए ना भाई साहब, बड़ी हंसी लगेगी आप। लोगों का कहना है कि विदेश में मोदी जी जो है इंडिया का नाम है जो बहुत, विदेश में नाम रोशन क्या किया, विदेशी विदेश में जा जाके विदेशी माल को चाभा, देश में जा जाके विदेशी माल को चाभा। कुछ किए न किए, बस ही लोग को एक चम्मच खिला दिए, ये देखिए एक चम्मच गोबर इसमें ही खुश, मोदी जी भी खुश, बात खत्म भाई साहब। रोटी चावल आटा पाटा कुछों से सबको कोई लेना देना नहीं, ये अनभक्त है, ये गोबर गुं खाता है और कुछ नहीं भाई साहब। भाई साहब तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हमारे, तो भाई आप लोगों ने देख लिया कितनी फनी वीडियो रही, तो आप बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।